Hey what's up guys, welcome back to Motify Vlogs। मैं हूं अमित एंड आज के वीडियो में हम करने वाले हैं विस्ता ऑटो केयर का एक और प्रोडक्ट का रिव्यू। सो बेसिकली ये है हेलमेट क्लीन इंटीरियर क्लीनर एंड ये हेलमेट का इनर लाइनर क्लीन करता है एंड डिसइनफेक्ट करता है, साथ ही साथ यहाँ पे इसकी एक अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। सो अगर अभी तक आपने हेलमेट क्लीनर्स देखे होंगे तो वो लिक्विड बेस्ड होते हैं, बट दिस वन इज़ अ फोम बेस्ड। सो ये इसको काफ़ी डिफर कर देता है बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड आप देख लेते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरे पास है रॉयल इनफील्ड का ओपन फेस हेलमेट, इस पर हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये प्रोडक्ट काम करता है। एंड इसके बाद मैं आपको लास्ट में एक प्रो टिप भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने हेलमेट को लंबे टाइम तक क्लीन कर सकते हो। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देख सकते हो ये है विस्ता का हेलमेट क्लीन इंटीरियर क्लीनर। यहाँ पे भी सेम वही 99% प्रोटेक्शन आपको मिलती है, एक्टिव सिल्वर टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुई है एंड दिस इज़ अ हेलमेट क्लीनर इंटीरियर क्लीनर है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है एंड सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, डायरेक्शन कॉशन एंड प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 170 रुपीज़ का आता है एंड कॉन्टेंट आपको इसके अंदर मिलता है 125 ml। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सी बॉटल है, आप इसको आराम से कहीं पर भी कैरी कर सकते हो अपने साथ में एंड बैकपैक वगैरह में भी इसको रख सकते हो ईजिली। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं अपने हेलमेट पे। तो यहाँ पे मेरे पास है ओपन फेस हेलमेट, तो हेलमेट में दिखा देता हूँ पहले। तो ये हेलमेट है और आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्कलरेशन है, यहाँ पे डिस्कलरेशन आपको दिख रहा होगा। तो ये सारा स्वेट एंड डर्ट की वजह से होता है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रख लिया। आप देख सकते हो हेलमेट पूरा अंदर से अगर आपको दिख रहा होगा सही से, तो यहाँ पे वाइट वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको। ये सब चीज़ें हैं इसकी, डर्ट एंड ऑयल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से ये गंदा हो रखा है एंड इसके वजह से काफ़ी बुरी स्मेल आती है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो लंबे टाइम तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, हेयर फॉल का इशू भी हो जाता है बहुत लोगों को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेलमेट को हाइजीनिक और क्लीन रखो। सो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव डर्ट ऑयल स्टेन्स एंड मैल ऑर्डर, तो यहाँ पे जो भी गंदगी होगी उसको ये प्रॉपरली क्लीन कर देगा। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कैप खोल लिया है, अब बस आपको इसको स्प्रे करना है। पहले तो बॉटल शेक कर लेंगे थोड़ा सा एंड इसके बाद हम इसको स्प्रे कर देंगे। ये देख सकते हैं वेस्ट है, तो आपको प्रॉपरली अच्छे से स्प्रे करना है यहाँ पे। तो ये प्रॉपरली स्प्रे कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको कुछ देर ऐसे रखे रहने देंगे ताकि ये थोड़ा जो इसका फैब्रिक होता है इसको अच्छे तरह से सेट हो जाए इसके अंदर एंड इसके बाद हम इसको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर देंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब माइक्रोफाइबर क्लॉथ इस तरह का ले लेंगे, आप क्लीन बिल्कुल होना चाहिए एंड उस तरह से फिर आपको यहाँ पे इनर लाइनर पे पूरी अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करना है एंड साथ ही साथ आपको रब करना है, जेंटली रब करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अभी ये थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है, वेट है काफ़ी। तो देख सकते हो इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया एंड क्लॉथ आप देख पा रहे हो जितनी भी डर्ट थी सब यहाँ पे एक्युमुलेट हो चुकी है। सो गाइस लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा सा वेट है, मतलब फील हो रहा है वेट, बट अभी ये सेफ़ है, आप इसको डायरेक्टली पहन सकते हो नो इशू। एंड अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे देख सकते हो आप प्रॉपरली ये पूरा क्लीन हो चुका है। नाउ अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो बेसिकली 170 रुपीज़ का आता है एंड आपको 125 ml मिलता है, तो लगभग आप 5 से 10 बार इसको आपको यूज़ कर सकते हो आराम से। बट यहाँ पे मैं एक टिप देता हूँ कि आप इसको कम से कम यूज़ करो और आपका हेलमेट भी कम से कम गंदा हो। इस तरह के स्कल कैप्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको हेलमेट पहनने से पहले पहनना होता है एज अ कैप एंड आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हो जब भी आप राइड से वापस आओ। तो ये लीगर ब्रांड का यहाँ पर आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वो ले सकते हो। तो गाइज इस प्रोडक्ट के फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहला तो है ईजी टू अप्लीकेशन। जैसे कि आप जानते हैं सिंपली स्प्रे करना है, वाइप करना है ना, आप 10 मिनट के बाद रेडी टू यूज़ हो जाता है हेलमेट। आप डायरेक्टली इसको पहन सकते हो विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी इरिटेशन। हाईली इफेक्टिव है, जैसे कि आपने देखा पूरी डर्ट एक्युमुलेट हो गई थी अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ में एंड थर्डली इट रिमूव्स डर्ट ऑयल और जो भी स्टेन्स होते हैं। ऑयल स्टेन्स मैंने आपको दिखाया किस तरह का पूरे हेलमेट में द चीक एरिया पे था, वो प्रॉपरली क्लीन हो गया जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड क्योंकि सिंपली आपको स्प्रे करना है, कोई रबिंग वाला एक्शन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग रबिंग नहीं करना है, सिंपली आपको जेंटली रब करना है और पूरा काम इसका एंटीबैक्टीरियल जो सिल्वर टेक्नोलॉजी है वो करता है। आखिरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका हेलमेट रिफ्रेशिंग हाइजेनिक एक फ्रेगनेंस देता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अदरवाइज़ जो हेलमेट अगर आप देखोगे गंदा होने के बाद
कितना बुरा स्मेल करता है, एंड अगर आप किसी और का यूज़ करते हो तो आपको समझ आता है, बट आप अपना हेलमेट यूज़ करते हो तो आपको कभी नहीं लगता कि आपका हेलमेट स्मेल कर रहा है, अनलेस आप अपने हेलमेट को मतलब कुछ दिनों बाद यूज़ करते हो तब आपको फील होता है। सो ये मोल्ड वगैरह जो पड़ जाते हैं उसकी वजह, उसका रीज़न यही होता है कि जो स्वेट एंड ऑयल स्टेन्स मार्क वगैरह होते हैं, जो आप ऑयल हेयर ऑयल यूज़ करते हो या फेस पे क्रीम वगैरह यूज़ करते हो, तो ये चीक एरिया की वजह से जो कुशन होता है उस पर सारा स्टिक हो जाता है, एंड नेक एरिया पे जो स्वेट होता है यहाँ पे स्वेट एक्यूमुलेट हो जाता है, ऊपर की तरफ ऑयल एक्यूमुलेट हो जाता है, हेयर बाकी डैंड्रफ वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे बैठ जाती हैं, और धीरे धीरे वो एक मोल्ड की तरह फॉर्म करता है, फंगस होने लगता है। एंड अगर आप हेलमेट काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करोगे तो आप ये खुद देखोगे कि वहाँ पे ग्रीन ग्रीन या वाइट कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, विच इज़ दैट थिंग ओनली। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में आप अपने हेलमेट को क्लीन नहीं रखते हो गाइज, तो यहाँ पे स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, एंड बहुत सारे लोग ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, एंड कई लोगों को बाल्डनेस का भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को स्किन इरिटेशन हो जाती है, चीक्स एरिया पे इचिंग होती है एंड पिंपल्स वगैरह होते हैं। सो इसका मेन रीज़न यही होता है कि आपका हेलमेट हाइजीनिक नहीं होता, क्लीन नहीं होता, डिसइनफेक्ट नहीं किया होता है। सो इसी के लिए ये प्रोडक्ट है, एंड ये काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, एंड आई थिंक 5 to 10 times आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो अभी मैंने 3 to 4 times इसको यूज़ कर लिया, एंड ऑलमोस्ट लाइक 70% होगा, इतना लगभग होगा ये, तो या 4-5 times और यूज़ कर सकता हूँ मैं इजीली। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, एंड वैल्यू फॉर मनी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। सो लास्ट टाइम हमने रिव्यू किया था विस्टा एंटी बैग, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, एंड आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, मेक श्योर आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। एंड इसके बाद बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी सही लगा, आप हेलमेट पे सिंपली क्लीन करो और वाइप करो एंड आपका काम इजी हो जाता है। सो इट्स वेरी इजी टू यूज़, डिसइनफेक्ट, आपको अच्छी फ्रेग्रेंस देता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे स्टेन, ऑयल, डर्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सबको रिमूव कर देता है। सो जस्ट लाइक द प्रीवियस वीडियो, ये वाला प्रोडक्ट भी एंटीबैक्टीरियल रेंज से ही है। दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी इंजीनियस प्रोडक्ट हैं, एंड ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बिकॉज एक तो अफोर्डेबल है, 170 rupees का है, कोई भी ले सकता है, एंड बहुत ही ईजी अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी हेलमेट के साथ खोलना खालना नहीं है, सिंपली स्प्रे करना है एंड वाइप कर देना अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। आई नो बहुत तारीफ़ कर ली मैंने इस प्रोडक्ट की, बट जितना भी तारीफ़ करो कम है यार, बिकॉज आपको हेलमेट वॉश नहीं करना पड़ा, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है आपका हेलमेट क्लीनिंग में। अगर आप लाइनस वाले भी देखते हो तो उसको आपको निकाल के मतलब सोक करना होता है वाटर में, फिर उसको शैम्पू करो, क्लीन करो, तो ये सिंपल एंड ईजी तरीका है। अगर आपका हेलमेट ऑयल एंड डर्ट से सिर्फ गंदा है, डस्ट वगैरह से एक्युमुलेट हुआ है, तो आप सिंपली स्प्रे करो एंड वाइप करो, आपका काम हो जाता है यहाँ पे। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं, और अगर मुझसे कुछ रह गया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूँगा सारी डिटेल्स क्या क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में, अगर कुछ मैंने मिस कर दिया इस वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे टाइम टाइम पे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग मोटिफाई ब्लॉग्स। We'll be right back.